हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका लबोल में। मैं हूं नंदिनी किंड्रा आपके साथ और आज बात करेंगे प्रदेश में बढ़ रहे बेलगाम क्राइम ग्राफ की। जी हां, किस तरीके से क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और आए दिन मर्डर और रेप की वारदातें सामने आ रही हैं, इस पर सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर प्रशासन कर क्या रहा है। आज हल्ला बोल में बात होगी इसी मुद्दे पर। बात करेंगे झज्जर की, जहां पर कुछ मजदूरों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। जी हां, झज्जर के सेक्टर 6 में कुछ प्रवासी मजदूरों की हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल ये मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और इन मजदूरों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सेक्टर 6 में ये 5 प्रवासी मजदूर थे जिनकी हत्या कर दी गई है। हत्या किसने की, क्यों की, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है, लेकिन जो शुरुआती जांच है उसके आधार पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि हत्या पुरानी रंजिश के तहत की गई है। पुलिस का कहना है कि मृतकों के शरीर पर चोट के गहरे निशान पाए गए हैं और मारे गए सभी मृतक मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। पिछले कई दिनों से सेक्टर 6 के निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे थे। पुलिस को घटना की सूचना मंगलवार को देर शाम पड़ोस में ही रहने वाले किसी शख्स ने दी। सूचना मिलने के बाद एसपी अशोक कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, मामले की छानबीन की गई। मंगलवार को विश्वकर्मा पूजा होने की वजह से सभी मजदूरों ने काम बंद कर रखा था और जब इन्हीं मजदूरों के साथ ही मंगलवार की शाम उनका हाल जानने के लिए मकान में आए और जब मौके पर पहुंचे तो सभी मजदूर खून से लथपथ पड़े हुए थे, उनका शव पड़ा हुआ था, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। हल्ला बोल में बात करेंगे इसी पर कि प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है। 5 मजदूरों की हत्या कर दी गई, कानून का खौफ है भी लोगों में या फिर नहीं। पुलिस मौके पर पहुंचती है लेकिन इस पूरी गुत्थी को अभी तक सुलझाने में नाकाम साबित हुई है। आखिर इन मजदूरों की हत्या की क्यों गई, क्या किसी रंजिश के तहत इन मजदूरों को मारा गया। मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूर जो सेक्टर 6 में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम कर रहे थे, आखिर क्या कारण था कि उनकी हत्या कर दी गई, कौन थे वो लोग, कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। और प्रदेश में जिस तरीके से इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा, कानून व्यवस्था नाम की चीज प्रदेश में बची भी है या फिर नहीं, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। हल्ला बोलिए, आप भी कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हरियाणा में बढ़ते क्राइम के ग्राफ को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण है कि पुलिस कानून व्यवस्था को ठीक से संचालित करने में लगातार नाकाम साबित हो रही है। प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, बेखौफ बदमाश हैं और उनके आगे शायद बेबस है पुलिस। रेवाड़ी से हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं अर्नव, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या कहना चाहेंगे अर्नव जी? नमस्कार जी। जी जी बोलिए मैडम। ये प्रवासी लोग है ना, बहुत ज्यादा क्राइम होता ही इनका, इसमें सरकार का दोष नहीं है, यह कोई आपसी रंजिश है इनकी जी। और ये रंजिशन वक्त ये हमारे यहाँ आते हैं काम करने के लिए और इनके बहुत ज्यादा होते हैं, इनके आपसी झगड़े ना बहुत होते हैं जी जी। इसमें सरकार का कोई इतना दोष नहीं है, फर्ज नहीं है जी। तो क्या क्या रेवाड़ी में है आप, तो रेवाड़ी में भी कुछ इस तरह की घटना आपने देखी है? हाँ मैडम, बहुत होती रहती है, इनकी होती है। धारवेड़ा में है जहाँ कंपनी एरिया है या फैक्ट्री है, वहाँ ये बहुत लोग आए हुए हैं बाहर के और ये कॉमन है इनके लिए। चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे कॉलर रेवाड़ी से, जिनका ये कहना है कि जो ये प्रवासी मजदूर हैं, इनके बीच की जो आपसी रंजिश और इनके बीच की जो आपसी लड़ाई होती है, उसके कारण अक्सर इस तरह की घटनाएं देखी जाती हैं। लेकिन ऐसे में सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़ा इसलिए होता है कि ऐसी घटनाओं के बावजूद भी पुलिस इन पर अंकुश लगाने में नाकाम क्यों है। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? मैम ये घटनाएं जो होती हैं जी, ये जो घटनाएं होती हैं
जी ये आपसे छोटी है जी, ये जो बिल्ली कॉन्ट्रेक्ट जो ठेकेदार होते हैं ना जी, उनकी ये घटनाएं होती है, शिकार होते हैं मजदूर जी, जो शिकार हुए हैं ना वो मजदूर हुए, बेमौत मारे गए हैं जी। तो आपको लगता है कि जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं, उनकी आपसी रंजिश का परिणाम ये मजदूर भुगतते हैं? मजदूर भुगतते हैं और इसका भुगतान करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर चाहे वो मजदूर तबका हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, हर किसी की सेफ्टी और सुरक्षा की जिम्मेदारी कानून की होती है, पुलिस की होती है। और अगर इस तरीके से 5 मजदूरों की हत्या कर दी जाती है तो सवाल खड़े होना लाजमी है। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं रणदीप जी कैथल से, स्वागत आपका, क्या है आपकी राय? जी मैं कैथल के गुलाज जी का हलका से एमएलए कलवंत बाजीगर जी का हलका पड़ता है जी, और यहाँ एक कपड़े के व्यापारी के ऊपर गोली चल गई है और एक आरती की गड्डी कोस के ले गए हैं, चैन कोस के ले गए हैं, और इतना ज्यादा अपराध बढ़ गया। खुद एमएलए के गांव से स्मैक मिलती है, नशे के तस्कर मिलते हैं और गिरफ्तारी होती है और कुछ नहीं बनता। इतना हलका हमारा खराब हो गया, तो बीजेपी का एमएलए, बीजेपी को हमने वोट दी थी और इतना बुरा हाल हो गया कि इसके लिए हम प्रदेश सरकार से गुहार लगाते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ तो पूरा सख्ती से कुछ ना कुछ किया जाए, और नहीं तो यहाँ बड़ा डर, 5 बजे के बाद यहाँ घर से निकल बहुत मुश्किल हो गया है और बहुत ही ज्यादा अपराधिक लोग यहाँ पर सरेआम गुंडागर्दी करते हैं और मैं कहती ये सब हमारा तो हल्का ही पूरा नशेड़ी बन गया है जी। बिल्कुल, हम भी अपील करेंगे रणदीप जी, जिस इलाके का आपने जिक्र किया, अगर वहां पर हालात इतने ज्यादा खराब है कि 5 बजे के बाद निकलने में भी डर लगता है, तो ऐसे में वाकई ये सोचने का विषय है पुलिस के लिए भी कि ऐसे इलाकों पर संवेदनशील होकर थोड़ा सा कार्रवाई करें और लोगों को सुरक्षा दें और सुरक्षित महसूस करें प्रदेश की जनता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कॉल करने के लिए अल्लाह बोल में। तो क्राइम के मामले में प्रदेश की स्थिति क्या है, लगातार आप तमाम कॉलर्स की जुबानी सुन रहे हैं और अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। इसके अलावा जो झज्जर में हुआ 5 मजदूरों की हत्या कर दी गई है, इसके पीछे कारण क्या था, किसने की, ये फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ जरूर खाली हैं। जो हत्यारे हैं वो बेखौफ घूम रहे हैं खुलेआम, क्योंकि उन्हें कानून से डर नहीं लगता, पुलिस से डर नहीं लगता, और यही वजह है कि 5 मजदूरों की हत्या कर दी जाती है। प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। झज्जर से हमारे साथ कॉलर जुड़े विजय कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, झज्जर से आप और झज्जर की इस घटना का मैं जिक्र कर रही हूं, क्या कहना चाहेंगे? बड़े दुख की बात है जी, हमारे प्रदेश के अंदर, हमारी झज्जर के अंदर एक 5 प्रवासी मजदूरों की हत्या की गई है। ये एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। उन 5 परिवारों का क्या होगा, उन यहाँ पे कमाने के लिए आए थे, मजदूरी करने के लिए आए थे, यहाँ से कुछ पैसा लेके जाते, अपने बच्चों को शिक्षा देते, अपने घर की व्यवस्था ठीक बनाते, तो आज इनकी हत्या करके ना हमारे पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। और ये एक ऐसा जघन्य अपराध है, इसको तय तक जाना चाहिए और बेचारे मजदूरों को कुछ न कुछ इनकी सरकार ने मदद करनी चाहिए, उस परिवार की। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय कुमार जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये 5 लोग नहीं, 5 परिवार एक तरीके से खत्म हुए हैं और इन तमाम मजदूरों को इंसाफ मिलना चाहिए। जाहिर तौर पर यही बात हम भी लगातार कह रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, हल्ला बोल लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हल्ला बोल में। बात हो रही है हरियाणा में बढ़ते क्राइम के ग्राफ की। झज्जर में 5 मजदूरों को मौत के घाट उतार दिया गया है, आखिर क्या इसके पीछे कारण था, क्या आपसी रंजिश थी, इस बारे में अभी फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस के हाथ इस मामले में अभी तक खाली हैं और खुलेआम इस तरीके की वारदातों को अंजाम देने वाले लोग, ऐसे क्रिमिनल्स सड़क पर खुलेआम घूम रहे हैं।
अपने आप में जब इस तरह की वारदातें होती हैं तो आसपास के लोगों में भी असुरक्षा की एक जो थॉट है वो आती है और लोग महसूस करते हैं कि इस तरह की वारदातें उनके इर्द गिर्द हो रही हैं, तो आखिर पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने में असफल क्यों है। हमारे साथ सोनीपत से कॉलर जुड़े हैं करण सिंह जी, स्वागत आपका। क्या कहना चाहेंगे हरियाणा के इस बढ़ते क्राइम पर? नमस्कार जी। आप किसी दिन का अखबार उठाकर देखें जिसमें 25% खबरें मर्डर, बलात्कार, लूट खसोट की पढ़ने को मिलेंगी जी। लेकिन सरकार को इलेक्शन के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है जी। कभी भी उपरोक्त घटनाओं के बारे में नहीं बोला जाता, केवल एक इनारा पिछहत्तर पार। इससे शर्मसार क्या होगा कि घर में बैठी महिलाओं के गहने उतरवा लिए जाते हैं। आज कोई भी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा है, लड़कियों को घर से उठा लिया जाता है जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इस तरह की घटनाएं, इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं और कहीं ना कहीं चुनावी माहौल जो प्रदेश का है उससे नेता बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। ये चुनाव कब होने हैं अभी तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है उस ओर किसी का ध्यान नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए करण सिंह जी, सोनीपत से थे ये कॉलर। और लगातार जो तमाम कॉलर्स अपने क्षेत्रों से कॉल कर रहे हैं, हालात बता रहे हैं, ये काफी है ये समझने के लिए कि पूरे प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है और पुलिस का कितना ध्यान प्रशासन का कितना ध्यान इस ओर है कि प्रदेश में लोग सुरक्षित महसूस करें। हमारे साथ कैथल से एक कॉलर जुड़े थे, जैसा कि उन्होंने बताया कि उनके इलाके में इतने बुरे हालात हो चले हैं कि शाम को 5 बजे के बाद घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। बहरहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, राम सचदेवा जी, स्वागत आपका भी। क्या राय आपकी? नमस्कार जी। जी ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये मजदूर बेचारे जो अपने इसी दूर से कुछ कमाने के लिए आए थे, कुछ जो पैसे को करने के लिए आए थे, वो अपनी जान को आने के लिए नहीं आए थे। ये प्रशासन क्या किस लिए है? ये पुलिस वाले जो भी हैं वो प्रशासन के नीचे को पे देती है। अगर पुलिस वाले कुछ नहीं करते, वो नहीं करते, तो 2-4 महीने उनको पे ना मिले, वो न दे, तो उनको अपने आप पता लग जाएगा। वो अपनी ड्यूटी जो ड्यूटी को ड्यूटी समझना चाहिए। वो अगर ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझ, अगर पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे तो बाकी और कोई क्या? हर चीज की कोई लिमिट होती है क्या? इन बदमाशों के अपने आप ही मतलब इनको वो, ये तो सिर्फ खाकी वर्दी पहनने के लिए है क्या? बिल्कुल पुलिस अगर अपना काम ठीक से करे तो बिल्कुल ऐसे क्रिमिनल्स पर लगाम लगाया जा सकता है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पुलिस व्यवस्था असमर्थ रही है ऐसे क्रिमिनल्स पर अंकुश लगाने में। शुक्रिया आपका राम सचदेवा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं गोहाना से सनी, बहुत बहुत स्वागत आपका, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। ये इसमें जी ऐसा है प्रशासन की वो ज्यादा कमी नहीं, सरकार भी जागरूक नहीं है जी इसमें जी। क्या हमारे मुख्यमंत्री ने कि एक वाक्य पे कोई बात कही अभी तक पुलिस को जी? ये सरासर इसमें है जो है ना मैडम, प्रशासन की तो कमी है ही है, लेकिन है ना हमारी जो राजनीतिक पार्टी है बीजेपी, हमारे मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने कोई भी ऐसी कार्रवाई अब तक को निर्देश भी नहीं दिया। सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? क्या जी? सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है, सरकार का ध्यान नहीं है सोर, और इसीलिए पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही। सरकार है कोई फैसला नहीं कर पा रही, सरेआम यहाँ पर लूटपाट, डकैती, बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं मैम। कोई कानून अभी तक, कोई मनोहर लाल अपने 5 साल हो गए ढिलोरा पीट रहा विकास का, कोई काम ऐसा, कोई बच्चियों पे फांसी की सजा अपराधान बनाया था क्या? 5 साल में एक भी फांसी की सजा किसी को ही है जी? जी ये कोई वो नहीं है मैडम, ये सब सरासर खट्टर है, सरकार है, इसने कति कानून व्यवस्था को खराब कर दिया है हरियाणा में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ना सिर्फ प्रशासन में कमी बल्कि ये जो कॉलर थे बता रहे थे कि सरकार में भी कमी है, कि सरकार पुलिस से ठीक तरीके से काम करवा नहीं पा रही है और किसी का ध्यान इस ओर नहीं है कि आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं उचाना से, दिलबाग जी बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कहना चाहेंगे हरियाणा में इस बढ़ते क्राइम के ग्राफ को लेकर, क्या है आपकी राय? मैडम पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बड़ा मैटर उठाया ये जी। जी
ऐसा है 1966 से लेकर जब से हरियाणा बनाया आज तक इतना क्राइम कभी नहीं हुआ जी। प्रशासक कोई फूट नहीं ले गया, प्रशासक पर मुख्यमंत्री की कोई पकड़ नहीं है, ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। अरे ये 75 पार का नारा दे रहे हैं, उनके 15 पार भी नहीं जाएंगे, ये हाल इन्होंने हरियाणा का कर दिया। हर जगह टकैती, बिल्कुल इस तरह की खबरें आ रही हैं और ये निराशाजनक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा में इस बढ़ते क्राइम के ग्राफ की तरफ जरा नेता और पुलिस ध्यान दें, चुनाव से हटकर भी प्रदेश के लिए क्या करना चाहिए इस ओर ध्यान होना चाहिए। और इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही।